हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा अपनी मॉर्निंग की, और यहाँ पर मेरे आज तुलसी जी की पूजा है, वो नहीं की हूँ क्योंकि रविवार का दिन है। तो आज कार्तिक की जो कथा वगैरह पढ़ती हूँ वो भी नहीं की है। तो बस सूर्य भगवान का आज दिन है तो उनकी बड़े अच्छे से पूजा की है। रविवार जो होता है वो उन्हीं का दिन होता है, और कुछ हमारे यहाँ पर ना ये गलत दिन रखा है छुट्टी का। जो रविवार वाला दिन होता है ना वो जल्दी उठने का होता है। रविवार वाले दिन लोग क्या करते हैं, स्पेशली ज़्यादा देर तक सो। फैमिली कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, और अभी जो धनवंतरी जी भगवान के पास में जो जल वगैरह रखा था, गंगा जल वगैरह डाल के, और कल, चलो ये बात मैं छोड़ देती हूँ, मुझे याद आ गया नोज फिन से, कल से आप लोग मुझे बोल रहे हैं, चलो मैं आपके सामने ही निकाल देती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली, एक ने बड़ा बैड कमेंट किया कि इसको क्यों नहीं निकाल रही हूँ, एक सेकेंड पहले इसको, हस्बैंड गुस्सा हो रहे थे जब मैं इसको निकाल रही थी ना, तो हस्बैंड गुस्सा होने लगे कि तुम उसके कहने पे निकाल रही हो। उसने बड़ा बैड कमेंट किया था एक लेडीज़ ने, तो मैंने कहा चलो अभी पहने रहते हो, अभी निकलेगी भी नहीं ये चीज़ें। क्या हम ऐसे ऊपर तो रखते नहीं, मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि लॉकर में रखी जाती हैं चीज़ें, और इतनी छोटी है कि कहीं भी रखो तो खो जाएगी। तो अभी निकालूंगी, अभी टाइम तो मिल जाए। तो मैं आपको बता रही थी, हाँ, धन्वंतरी जी की आज पूजा करी, जल उनके पास में रखा, गंगा जल वगैरह डाल के, वो सबको अभी दूंगी, सबको पिलाऊंगी, प्रसाद भी सबको दूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो धन्वंतरी भगवान है वो आरोग्य के हैं। मतलब अगर कोई भी आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, रोग दोष जो हैं, मतलब वो सब चीज दूर हो जाती हैं जो उनके पास हम जल भर के रखते हैं उसको ग्रहण करने से। तो फिलहाल अभी तो चलती हूँ नीचे, मम्मी जी बुला रही हैं, पराठा बना रही हैं, तो वो चलते हैं नीचे। आलू का पराठा बन रहा है शायद, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, या फिर मैं सोच रही हूँ पहले नीचे नहीं जाऊँगी, पहले अपना कमरा ठीक कर दूँ, क्योंकि पूरा घर साफ सुथरा हो चुका है। आंटी आई थी, उनको ऊपर के लिए मैंने लगवा लिया एक दो हफ्ते के लिए, तो क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, आज गुजिया वगैरह सब बनेगा, खाने पीने का सामान, तो उसमें मुझे लगना रहेगा, तो इसलिए मैंने आंटी से करवा लिया एक दो हफ्ते के लिए काम। तो पहले मैं ये प्रेस के कपड़े अंदर रख देती हूँ, और अपनी बेडशीट मैंने जो चेंज करी थी वो सब बिछा देती हूँ, थोड़ा रूम ठीक ठाक कर देती हूँ, उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर बाद में ही नाश्ता करूँगी इकट्ठा। यहाँ पर मैंने कहा नाश्ता वगैरह मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं ये कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दो तीन दिन से ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, मैं इनको अलमारी में सेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ मेरे कुर्ते वगैरह भी हैं जो मैंने प्रेस करवाए हैं, तो इनको लगा देती हूँ, रूम में भी चादर वगैरह बिछा देती हूँ, फिर क्या, फिर हो जाता है और मेरा रूम रह ही जाता है। पूरा घर सिस्टमेटिक है, बढ़िया, सब कुछ सेट है, आगे सोफे वगैरह, ऊपर का भी जो ड्राइंग रूम है, नीचे का भी जो है, सब कुछ सेट है, पर मेरा ही रूम लास्ट में रह जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि काम करके फ्री होके फिर करूँगी, तो फिर का फ्री होता रहता है। यहाँ पर ये कुछ कपड़े भी मैं ऊपर से लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी तय बना के रख देती हूँ, जो मुझे अपनी अलमारी में रखना है और इनके कपड़े लगाने हैं, और मेरे पतिदेव की जो अलमारी है नीचे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये मैंने सब कुछ सेट किया था। ये पता नहीं क्यों इन्होंने, इनका कुछ सामान नहीं मिल रहा था, कुछ कागज़ वगैरह, तो वापस से उथल पुथल मचा दी उसमें, तो मैंने कहा अब तो मैं ठीक नहीं करूँगी, मैं अब दीपावली के बाद ही ये सारे काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये बेडशीट बिछा देती हूँ, और ये वाली जो बेडशीट है ये मतलब दीदी लेकर आई थी, बेडशीट की जो भी घर में शॉपिंग होती है वो मेरी ननदी करती हैं, क्योंकि उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, और जितनी भी वो मंगाती हैं ना सारी ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हैं बेडशीट की, उनको बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर वो मेरे लिए भी मंगा लेती हैं। तो ये वाली जो बेडशीट है, तो मैंने कहा ये वाली मैं अपने रूम में बिछा देती हूँ। देख
सकते हैं, मैंने यहाँ पर मनी प्लांट और एक लोटस का आर्टिफिशियल रखा है, और ये मैंने आर्टिफिशियल लाइट है जो कि मैंने लैंप के अंदर रख दी है, क्योंकि अगर असली वाली रखूँगी तो पूरा काला हो जाएगा। देख सकते हैं बेड शीट भी मेरी लग गई है, नई बेड शीट बिछा दी, इधर भी सब कुछ। चलो लाइट ऑफ करके देखते हैं कैसा लगेगा। वैसे मुझे ना बड़ा शौक है डेकोरेशन का, पर टाइम नहीं मिलता यार इन सब चीज़ों के लिए, बहुत टाइम चाहिए। अब देखते हैं रूम कैसा लग रहा है। वाह, उधर कितना अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं बाहर, नहीं तो इनका सेल डाउन हो जाएगा, तो अभी तो बंद कर देती हूँ मैं। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी हूँ खाने के लिए। तो यहाँ मम्मी जी ने आज आलू का पराठा बनाया, क्योंकि मैं ऊपर पूजा पाठ में लगी हुई थी, और देखा मैंने तब तक कि पापा जी आ गए हैं। और मैं आपको बताऊँ, आगे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो आगे बैठ के मैं नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि न्यूज़ में कुछ आ रहा था शायद, तो मैं आगे बैठ गई थी। पर ना मैं पीछे वाले रूम में ही खाती हूँ, क्योंकि पापा जी के सामने सही दिन नहीं बैठती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी सेक रही हैं यहाँ पर मावा, अब बुला रही हैं गौरी आजा, अब तू इसको सेक ले, क्योंकि इसको ना सेकते सेकते हाथ दर्द तो करने ही लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है मावा सेकने में। अभी सिका नहीं है मम्मी जी, सफ़ेद है, हल्का सा गुलाबी हो जाता है ना, तब समझ लो सिक गए। यहाँ पर खोया है वो मैं भूनने लगी हूँ, और मम्मी जी थोड़ी देर के लिए लेट गई हैं, क्योंकि अभी त्यौहार में बहुत काम हो रहा है, तो बस खोया भून के मैं रख दूंगी इसको ठंडा। तो यहाँ पर मैंने खोए के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है, और लास्ट सफाई बस फ्रिज की बची थी, फ्रिज नहीं कर पाई थी, तो फ्रिज वैसे क्लीन ही था, बस उसकी जो ये मैट है इनको क्लीन करना था। कभी कभार प्याज लहसुन वाला खाना भी रख दिया जाता, पर काफ़ी टाइम से तो नहीं बन रहा था, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस इनको साफ़ करके मैं ऊपर डाल के आती हूँ, और इसके बाद में फिर गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स नीचे से अभी मैं ऊपर आई अपने कपड़े वगैरह धुलने के लिए, खोया वगैरह सब भून के रख दिया है, फ्रिज भी पूरा क्लीन हो चुका है, अब जा रही हूँ नीचे। शायद मम्मी जी ने स्टार्ट कर दिया, क्यों गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया? हाँ बड़ा मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, गुजिया बन रही है। अच्छा इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, गुजिया भी बन रही है, तो मैं भी जा रही हूँ नीचे इनको खाना देती हूँ, ये जस्ट अभी आए हैं ड्यूटी से। हाँ अभी देख रही हूँ। तो यहाँ पर गुजिया देख सकते हैं बनना स्टार्ट हो चुका है, कुछ बन भी गई हैं। ये देखिए नाशा की शॉप, ओ नाशा फटाके की शॉप खोली आपने? अच्छा अरे राम साम 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 बेटा, कैसे 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 दिया आपने शॉप? अरे ये फुलझड़ी कैसे दी आपने? इतनी महंगी, इतनी महंगी, ये आ गया होलसेल विक्रेता, सुबह उठ के आए अभी देखिए। मेरी एक रुपए की? तो मेरे लिए एक रुपए की क्यों? एक रुपए की है पर इसके अंदर से एक ही मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या वैरायटी, क्या क्या? बस वो अनार भी है पूरे, वाह आने वाला। चलो आज क्या है? आज हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली विश कर दो, चलो दिवाली विश कर दो, हैप्पी दिवाली और हैप्पी दीपावली। फ्रेंड्स यहाँ पर बना रहे हैं पापा जी गुलाब जामुन, और देख सकते हैं पापा जी हमेशा से ही मतलब गुलाब जामुन है वो वही ही बनाते हैं। वैसे अगर नॉर्मली कभी बनाना हो तो वो मैं बना लेती हूँ, पर जब कुछ तीज त्यौहार आता है तो पापा जी ये बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे बना लेते हैं, और इनकी तरह तो मुझे लगता है मैं भी नहीं बना सकती हूँ। तो देख सकते हैं कितने परफेक्टली बिल्कुल लो गैस पे आराम से सेक रहे हैं। और आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म होता है, आ जाइए आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा होगा गुलाब जामुन देखकर।